आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रमन त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे डॉग कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे किसान भाई और बहनों, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि लास्ट मंथ मैं एक जर्मन शेफर्ड की फीमेल पप्पी लेके आया था, आप देख सकते हैं ये है मेरे पास में, लॉन्ग कोट है और बहुत अच्छी है, और मैंने इसका नाम रखा है लूसी। तो जब मैं इसको लेके आया, उसके कुछ दिन बाद, लगभग 5 to 6 days बाद, मैंने नोट क्या किया कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। तो अब हमारे यहां तो ओपन है, चारों तरफ घर है, लेकिन बाहर काफी जगह है और इधर उधर छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो भी पड़े हुए हैं, मड भी बहुत है, सॉइल बहुत है। तो मैंने नोट किया कि ये, जैसे ही मैं इसको बाहर लेके चलूं, ये मिट्टी उठा ले, छोटे छोटे पत्थर मुंह में दे ले, और लकड़ी पड़ी है तो छोटी मोटी उस लकड़ी को उठा ले, और जैसा कि काऊ डंग गोबर उसको एकदम से उठा ले। तो मैंने नोट किया कि यार ये क्या प्रॉब्लम है, कि ऐसी कुछ भी चीज अगर रास्ते में या कहीं भी मिल रही है तो ये उसको एकदम से उठा ले और कोशिश ये करे कि वो उसको खा ले। तो ऐसे ही मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि इसमें जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कैल्शियम की वजह से प्रॉब्लम आती है। अब कैल्शियम की प्रॉब्लम अगर हमारे पप्पी के अंदर है तो वो ये सब करेगा, मिट्टी उठा लेगा, छोटा पत्थर कोई पड़ा है तो उसको उठा लेगा, जल्दी से उसे चाबने की या खाने की कोशिश करेगा। और अब आप देख सकते हैं, अगर हमारा पप्पी मिट्टी खाएगा या कोई भी वेस्टेज चीज उठा के खा लेगा तो वो उसके स्टोमक में, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगी। तो उसके लिए अब हमें तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर एक मेडिकल से, आपके पास में भी कोई मेडिकल हो सकता है, वहां से मैंने ये कैल्शियम मस्ट पेट, ये एक सिरप लिया जो कि हमारे पप्पीज के लिए होता है। ये अगर हम देखें तो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन जैसे हमारा पप्पी छोटा है, 3 to 4 months का है, तो हम कोशिश ये करें कि हम इसको सिरप दें, क्योंकि अभी ये दवाई तो खा नहीं सकता, टैबलेट तो खा नहीं सकता। तो सिरप का क्या है कि आप सिरप ये इजीली ले सकता है, कंजप्शन कर सकता है सिरप की आराम से, और आप इसको दे भी सकते हैं। तो जैसा कि ये कैल्शियम मस्ट पैट, मैं इसको देना, मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने देखा धीरे धीरे इसने वो सब चीज कम कर दी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम की कमी थी वो पूरी होने लगी इसके देने से। अब जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं, विटामिन ए, इसके अंदर विटामिन ए है जो डॉग्स के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन D3 इसके अंदर है, और विटामिन B12 इसके अंदर है, और फॉस्फोरस इसके अंदर है। तो इन सब चीजों का जो होना, वो हमारे पप्पी के लिए एक बहुत ही अच्छा, उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए, उसकी बोन्स के लिए, जैसे बोलते हैं ना हैवी बोन, कि हमारा पप्पी एक हैवी बोन में है, तो वो इस तरीके से अगर हम कैल्शियम उसको पूरा देंगे तो उसकी बोन एकदम से एक मजबूत बनेगी, तो हमारा पप्पी अच्छा होगा, पप्पी अच्छा होगा तो उसकी ग्रोथ भी होगी और उसका वेट और साइज भी उसका वो गेन करेगा। तो इसी तरीके से मैंने ये देना इसको शुरू किया। अब आप कहेंगे कि ये कितने का आया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूं कि आपको पूरी नॉलेज मिले, कि जब आप लेने जाएं तो आपको प्राइस भी पता हो। तो ये मेरे को पड़ा 100 rupees का, और ये मैनकाइंड का है। आप इसको, आपके पास में कोई स्टोर होगा तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे भी ये मिलता है, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। और दूसरा है मेरे पास में न्यूरोकाइंड पैट, मैं ये भी इसी के साथ में लेके आया। इसका मेन जो पर्पस है वो है मिनरल्स, हमारे डॉग के अंदर मिनरल्स और विटामिन। अब अगर हमारे डॉग के अंदर मिनरल्स और विटामिन नहीं होंगे तो हमारे डॉग के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स मैं बताऊं कैसे आती हैं, एक तो हमारे पपी के बाल उतर जाना, बाल झड़ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से आती है, विटामिन कम होने की वजह से और मिनरल्स। दूसरा खून की प्रॉब्लम आ जाना हमारे डॉग में या पपी में, वो भी। तीसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है इसकी,
और आयरन की कमी हो जाना, मैग्नीज की कमी हो जाना, ये सब कमी को दूर करने के लिए न्यूरोकाइंड पैट मैं इसको भी लेके आया। और अगर हम इसको अपने पप्पी को देते हैं तो ये हमारे ये जो कमियां मैंने आपको बताई ये इनको पूरा रखेगा, और पूरा रखेगा तो आपको मालूम है कि हमारा पप्पी हेल्थी और ग्रोथ करेगा जल्दी से जल्दी, और गेन करेगा वेट भी, और एक शाइनिंग वाला और अच्छा एकदम पप्पी बनेगा। अब बात आती है कि न्यूरोकाइंड पैट कितने प्राइस का है। तो आपके पास जो मेडिकल स्टोर है वहां से आप ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा लगभग 160 या 165 रुपीस का, तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, नॉमिनल है, तो आप इसको ज़रूर लें। दूसरा इस मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, और इस एक्सपीरियंस से आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने, ये मेरी लूसी है, इसको मैं ये कंटिन्यूस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं आपके आशीर्वाद से और प्यार से ये कितनी अच्छी है और एकदम से हेल्थी भी है। अभी ये लगभग 2.5 महीने की हो गई है, 2.5 महीने के करीब इसको हो गया है, और मैं इसको कंटिन्यूस ये दे रहा हूँ जब से मैं इसको लेके आया। तो इसी तरीके से आप इसको आप अपने पप्पी को ज़रूर दें। भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पप्पी और डॉग हेल्थी और स्ट्रांग बने, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करें। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप एक सिरिंज लें, इसमें ये 3 ml की सिरिंज है, इसमें सिरप को लें और पप्पी के मुंह में इसको 3 से 4 बार में ड्रॉप कर दें। तो मेरे सभी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, आप वहां भी जाएं, उसको भी विजिट करें और उसको भी फॉलो करें। और मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि रविजोन फार्मिंग लीडर परिवार आज 6000 मेंबर्स का हो चुका है। तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमें यूं ही प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ में आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं रमन त्यागी रविजोन फार्मिंग लीडर से, धन्यवाद। बातें किसान की, बातें किसान की, अपनी ही।